जहां भौतिक संतुलन बिगड़ जाए, बौद्धिक क्षेत्र में अंधकार आ जाए और अध्यात्म अंधविश्वास में डूब जाए, वहां समाज में गति नहीं अधोगति चालू हो जाती है। और ये जो वर्तमान समय है, ये इन्हीं शब्दों से भरा हुआ है। आज समाज में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आज समाज में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। आज पूरे समाज की, पूरे मानव जाति की, चाहे पारिवारिक स्थिति देखिए, चाहे सामाजिक स्थिति देखिए, दोनों मूल्यों में पतन हो चुका है। अब संस्कृतियां सब चल के बोलती हैं, असभ्यताएं आज सभ्यता लगती हैं, आज संस्कृति अब संस्कृति में बदल चुकी है। जो स्वाभाविक होना चाहिए वो अस्वाभाविक हो चुका है, और जो अस्वाभाविक है वो स्वाभाविक लगता है। जो गलत है वो सही दिखता है, और जो सही है वो गलत दिखता है। जो अच्छे लोग हैं वे खराब नजर आते हैं, और जो खराब है वही अच्छे नजर आते हैं। ये है पतन की दृष्टिकोण। जब समाज पतित हो जाता है, जब मनुष्य का मन पतित अवस्था में चला जाता है, तो दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टिभंगी बदल जाती है, और विचारधाराएं बदल जाती है। और जब विचारधाराएं बदल जाती है, तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है, जीवन की दशा भी बदल जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि मनुष्य के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, और कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। पथ प्रदर्शक का अभाव है। ये जो अंधकार है, इस अंधकार को दूर करने वाले उस विराट व्यक्तित्व और सत्ता का अभाव है। इसी कारण समय समय पर धरती पर तारणहार आते हैं और मनुष्य को त्राण करके चले जाते हैं। युगों युगों में इस धरती पर महासंभूति ने जन्म लिया, भगवान सदाशिव के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में। आनंद मूर्ति जी इस धराधाम पर आकर उन्होंने दो दर्शन दिए मनुष्य के जीवन में। एक है आध्यात्मिक दर्शन, जिसका नाम है आनंद मार्ग दर्शन, और दूसरा है सामाजिक दर्शन, सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन, जिसका नाम है प्रगतिशील उपयोगी तत्व। ये प्रगतिशील उपयोगी तत्व क्या है, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी की जो असंतुलन की अवस्था है, अमीरी और गरीबी, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि आज पूरे भारत देश, चाहे पूरे विश्व की बात कह लीजिए, भौतिक संपदाओं का दुरुपयोग, ये जो भौतिक संपदाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास दो वक्त की रोटी नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो शिक्षा को पैसा से खरीद सकता है, शिक्षा की व्यवस्था को पैसे से खरीद सकता है, चिकित्सा की व्यवस्था को खरीद सकता है, सारी व्यवस्थाओं को खरीद सकता है, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं, पैसे के लिए मर जाते हैं, वस्त्र के लिए मर जाते हैं, शिक्षा चिकित्सा अन्न मिनिमम जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं मनुष्य के जीवन की, भोजन कपड़ा अन्न चिकित्सा वस्त्र, इन सारी चीजों के अभाव में मर जाते हैं। एक तो अभाव में मर जाते हैं, दूसरा भाव में मर जाते हैं। ये जो असंतुलन है, इसका कारण ही है भौतिक संपदाओं का चरम सीमा पर दुरुपयोग। आज हमारे देश में जो कुछ भी सत्ताएं हैं, वो भी इसी पूंजीपतियों पर के मुट्ठियों में है। आज वैश्य युग है, वैश्य लोगों ने पूरे व्यवस्था को अपने हाथों में कर लिया है। इसी के अनुरूप आनंद मार्ग प्रचारक संघ कहती है कि वैचारिक क्रांति आना चाहिए, विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। आज विचारों में क्षुद्रता है, संकीर्णता है। लोग सोचता है कि मैं हजार से लाख करोड़ अरब संघ सब कुछ अपने
जो मेरे अगल बगल हैं, जो मेरे समाज में हैं, जो मेरे आसपास हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कीट पतंग हो, सभी के विकास की बात नहीं सोचते हैं। ये विकास की बात नहीं सोचते हैं केवल और केवल एक ही के कारण कि उनके जीवन का कोई चरम लक्ष्य नहीं है, न व्यक्तिगत जीवन में, न सामाजिक जीवन में। इसके अभाव के कारण ही आज ये दुर्दशा है मानव जाति का। आज पूरे मानव जाति में मानव के अस्तित्व एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उसके अस्तित्व की रक्षा करना एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है, और अस्तित्व को मिटा रहा है मनुष्य जाति। इसको पेड़ पौधे नहीं बिगाड़ रहे हैं, नहीं पशु पक्षी इस वातावरण को असंतुलित अवस्था में ला रहे हैं। इस भौतिक संपदा का जो दुरुपयोग हो रहा है इसको मनुष्य ही बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए एक विराट दर्शन की आवश्यकता है, और वही विराट दर्शन है सामाजिक जीवन में भौतिक जीवन को संतुलन बना